हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास किस इन देशों के बीच में हुआ, जो कि हमारा जनवरी से लेकर अभी तक करेंट में जिस देश के बीच में हुआ है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा पहला है क्या, कोप साउथ 2022। कोप साउथ युद्धाभ्यास किस किन देशों के बीच हुआ, तो USA और बांग्लादेश के बीच। कोप साउथ एक्सरसाइज किसके बीच हुआ, तो वह USA और बांग्लादेश के बीच हुआ। USA की क्या कैपिटल DC Washington DC, जबकि बांग्लादेश का है ढाका। ऐसे यह किसके बीच हुआ, तो USA व बांग्लादेश के एयरफोर्स के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ था, यह एक्सरसाइज हुआ था। अब अगला देखते हैं कि हमारा क्या है। अगला ईस्टर्न ब्रिज 6, यह किसके बीच हुआ, तो यह हुआ था इंडिया और ओमान के बीच। यह किसके बीच हुआ था, तो इंडिया और ओमान के बीच हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था, जोधपुर में हुआ था। देखिए यह भी किसके बीच हुआ था, तो भारत व ओमान के एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ था। अब देखिए क्या, अभी क्या मिलन क्या हुआ 2022 मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ था, तो विशाखापत्तनम में हुआ था। ऐसे पूछता है कि मिलन एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आपको ऑप्शन में देगा विशाखापत्तनम, तो आपका ऑप्शन वही सही होगा। अब जैसे है हमारा क्या है, फोर्थ नंबर पे है Sea Dragon 2022। सी ड्रैगन एक्सरसाइज किस कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था प्रशांत महासागर में हुआ था, जिसमें क्वाड के देश जो हैं उनके बीच और कनाडा और दक्षिण कोरिया भी इनमें शामिल थे। क्वाड में कुल चार देश हैं, वो चार देश कौन से, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। किसमें, क्वाड देश में। क्वाड देश के सभी सदस्य और कनाडा और दक्षिण कोरिया भी सी ड्रैगन क्या 2022 में भाग लिए थे किसी एक्सरसाइज में। देखिए ऑपरेशन सर्द हवाएँ BSF के द्वारा चलाया जाता है। कब, कोहरे के समय पाक व इंडिया के सीमा के क्षेत्र में। ऐसे कोहरे के समय में आतंकवादी क्या कहते हैं, बॉर्डर को क्रॉस कर इंडिया में आ जाते हैं, तो उस समय BSF के जवान के लिए यह चलाया जाता है कि ऑपरेशन सर्द हवाएँ। अब देखिए अब अगला हमारा युद्धाभ्यास क्या है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारा अगला युद्धाभ्यास क्या है। देखिए एक्सरसाइज हमारा क्या है उसके बाद करते हैं। देखिए अब सिक्स से क्या, नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास है, जो किसने के बीच हुआ था, नाटो के सभी देशों के बीच हुआ था। अब नाटो की स्थापना क्या हुआ था, हमारा हुआ था 1949 में। इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। अब देश इसमें कितने कुल देश हैं, तो नाटो में कुल 30 देश हैं। अब अगला क्या है, पश्चिमी लहर किन का कहाँ हुआ था, इसका अभ्यास नौसेना द्वारा किया गया था, किसे, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, पश्चिमी घाट में इसका एक्सरसाइज किया गया था। अगला है चीरू 2022 का एक्सरसाइज हुआ था किसके, देखिए चीर क्या होगा, या CS हो गया क्या, चीर आइस हो गया ईरान, रूस हो गया रूसिया, क्या होगा सॉरी रसिया या फिर रूस। यह क्या होगा, चीरू युद्धाभ्यास या फिर एक्सरसाइज चीन, इराक और रूस के सैनिकों के बीच हुआ था। अब अगला क्या है एक्सरसाइज, कोबरा वारियन 2022। कोबरा वारियन जो था हमारा एक्सरसाइज इंग्लैंड में होने वाला था, लेकिन क्या कर देगा, उसे स्थगित कर दिया गया। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा एक्सरसाइज को स्थगित कर दिया गया था, तो क्या एक्स कोबरा वायरस एक्सरसाइज का क्या किया था, स्थगित कर दिया गया था, ये क्या है कोबरा। अगला है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन किन दोनों के बीच हुआ, तो क्या वो भारत व जापान के बीच में कौन सा हुआ था, धर्म गार्जियन। क्वाड के देश मिलकर कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, तो मालाबार अभ्यास करते हैं। कौन से देश, क्वाड के सभी देश। क्वाड में कितने देश होते हैं, चार देश होते हैं, जिसमें क्या था, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका था। अधिक है सिलिक्स, क्या होगा सिनेक्स में कौन से युद्धाभ्यास किसके बीच होता है एक्सरसाइज, भारत और श्रीलंका के बीच में यह होता है। श्रीलंका व भारत सम्मिलित रूप से मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। आई होप क्या होगा, सिनेक्स किसके बीच होता है, सिलेक्स इंडिया और भारत के बीच में, और भारत और श्रीलंका एक साथ मिलकर मित्र शक्ति क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं। जैसे सिम्बैक्स होता है किसके बीच, सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होता है। अब हमारा अगला क्या है, तो हमारा अगला है वायु शक्ति 2022। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडिया के एयरफोर्स के द्वारा की गई है,
जिसका आयोजन वो खनन में किया गया था पोखर का जैसलमेर में। अब अगला है लामितीय एक्सरसाइज 2022 का किन किन देशों के बीच हुआ, तो इंडिया और सेल्स के बीच में लामितीय एक्सरसाइज हुआ था। अब अगला है काजिंत एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो कजाकिस्तान और इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हमारा क्या हुआ था, यह युद्धाभ्यास हुआ था। आई होप आपको सभी युद्धाभ्यास आपको समय आ गया होगा। तो आप देखिए यह प्रमुख युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज है, जो विभिन्न देशों के बीच में हुआ था। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब इसे लर्न कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।